हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज, कल मैंने एक वीडियो बनाया था कि लेनोवो के 8 नोड में 5th नवंबर का जो अपडेट है वो आ गया है। और गाइज, आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे जाकर देख सकते हो वो वीडियो। तो मैंने जो इस अपडेट कर लिया है तो इसका प्रूफ दिखाता हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं जा रहा हूँ मेरे फ़ोन में मेन्यू में और उसके बाद सेटिंग, तो आप नीचे सिस्टम और अबाउट फ़ोन यहाँ पर नीचे देख सकते हो बिल्ड नंबर OMB 27.43 to 68, जो पहले था 67। इसका मतलब ये प्रूफ हुआ गया कि मैंने अपडेट कर लिया है। तो गाइज, अब चलिए बताता हूँ कि इसमें क्या फिक्स हुआ है या नहीं। तो गाइज, मैंने कल से लेकर अभी तक पूरा एक दिन इस फ़ोन को अच्छी तरह से इस्तेमाल किया और मैंने फील किया कि इस फ़ोन में क्या फिक्स हुआ है या क्या कुछ नया प्रॉब्लम आया है उसके बारे में, ठीक है। तो गाइज, मैं इस वीडियो में उस अपडेट का फुल रिव्यू करने वाला हूँ, ठीक है। तो अगर आप इस फ़ोन की इस अपडेट के बारे में जानना चाहते हो, ठीक है, तो मेरा ये पूरा वीडियो ज़रूर देखना। और गाइज, और वीडियो के लास्ट में मैं बता दूंगा कि आपको ये अपडेट करना चाहिए या नहीं। तो गाइज, मुझे लग रहा है कि इस अपडेट में वैसा कुछ फिक्स नहीं हुआ है, लेकिन पहले से ज़्यादा प्रॉब्लम खड़ी हो गया। तो मैंने जितना सारा प्रॉब्लम फेस किया है, ठीक है, वो मैंने एक जगह पर नोट करके रखा हूँ, तो आप लोगों को दिखाऊँगा। और मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, ठीक है, तो मेरा चैनल के नाम पे ही है, डी टेक्निकल वॉस पे। तो वहाँ पे भी बहुत सारे लोग जो लेनोवो के 8 नोड यूज करते हैं वो लोग मुझे बता रहा है कि भाई मेरे फ़ोन में ऐसा प्रॉब्लम है, ऐसा प्रॉब्लम है। तो मैं अभी तुम लोगों को वो सब दिखाने जा रहा हूँ, ठीक है। तो सर, तो मैं तो गाइज, सबसे पहले है ब्लैक स्क्रीन प्रॉब्लम। तो गाइज, मैंने मेरे फ़ोन में इस प्रॉब्लम को सबसे पहले इसके पहले कभी फेस नहीं किया था, ठीक है। तो ये है ब्लैक स्क्रीन प्रॉब्लम। ब्लैक स्क्रीन प्रॉब्लम क्या है कि कभी कभी मैं कल से इस अपडेट के बाद से कम 2-3 बार ये प्रॉब्लम फेस कर लिया है, ठीक है। तो इसका मतलब मेरा जो फ़ोन है वो कभी कभी ऑटोमेटिक स्क्रीन ब्लैक हो जाता है, ठीक है, और 1-2 मिनट के बाद वो पहले की तरह ठीक हो जाता है। तो मैंने इस प्रॉब्लम को 2-3 बार फेस किया है। और दूसरा है डॉल्बी एटम्स। भाई मेरा तो अपडेट के बाद डॉल्बी एटम्स के कुछ भी मेरा तो फ़ोन में अपडेट के बाद डॉल्बी एटम्स में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, लेकिन मेरा जो व्हाट्सएप ग्रुप है वहाँ पे बहुत सारे लेनोवो के 8 नोड यूजर ने मेरे पास ये प्रॉब्लम फेस किया है कि उनका इस अपडेट के बाद डॉल्बी एटम्स सही तरह से काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो कोई कोई ये भी कह रहा है कि इसमें जो सराउंडिंग्स का जो ऑप्शन है वो ठीक तरह से काम नहीं कर रहा है, तो कोई कोई ये कह रहा है कि उसके फ़ोन में टोटली डॉल्बी एटम्स काम नहीं कर रहा है। तो मेरा तो ऐसा प्रॉब्लम नहीं आया है, लेकिन आगे जाके देखना पड़ेगा कि ये प्रॉब्लम मेरे फ़ोन में आएगा या नहीं। तो गाइज, और तीसरा है बैटरी पहले की तरह है, ठीक है, इसका मतलब बैटरी ड्रेनिंग पहले की तरह ही है और बैटरी के बारे में कुछ इसमें कुछ फिक्स किया नहीं गया है, ओके। और तीसरा है जो इस अपडेट के पहले भी था और अभी भी है, ठीक है, वो है ऑटो पावर ऑफ। तो गाइज, इसका मतलब ये है कि मेरा जो फ़ोन है और मेरा बहुत सारा फ्रेंड्स का भी जो लेनोवो के 8 नोड फ़ोन है वो फ़ोन क्या हो रहा है कि ऑटोमेटिक स्विच ऑफ हो रहा है और स्विच ऑन भी ऑटोमेटिक हो रहा है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों को फेस करना पड़ रहा है, लेकिन लेनोवो ने इसके ऊपर अभी भी कोई भी कदम नहीं उठाया है, ठीक है। तो और सबसे लास्ट जो मैंने इस फ़ोन में प्रॉब्लम फेस किया है वो इस अपडेट के पहले भी था और अभी भी है, वो है स्पीकर काम अच्छी तरह से नहीं कर रहा है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि अगर आप मैक्स प्लेयर से कुछ वीडियो देख रहे हो या यूट्यूब से कुछ वीडियो देख रहे हो, तो कभी कभी ऐसा हो रहा है कि वो वीडियो का जो सॉन्ग है, वीडियो चल रहा है लेकिन उसका जो सॉन्ग है वो ऑडियो गायब हो रहा है, इसका मतलब ऑडियो स्पीकर ठीक तरह से नहीं काम कर रहा है। तो गाइज, इसका सॉल्यूशन मुझे मिल गया है। तो इसके लिए अगर आपके फ़ोन में भी ऐसा स्पीकर का प्रॉब्लम है तो आप एक काम करिएगा, ठीक है, तो आप सिंपली जाके अपना फ़ोन को सिंपली पावर ऑफ कर दीजिएगा, स्विच ऑफ करिएगा, और उसके बाद स्विच ऑन करके फिर से वो वीडियो देख सकते हो, और स्विच ऑफ ऑन करने के बाद तो वो प्रॉब्लम नहीं रहता है। तो मैंने ये खुद ये करके देखा हूँ, ठीक है। तो गाइज, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया। तो ये इस अपडेट के ऊपर जो रिव्यू था वो इसका पार्ट वन है, और मैंने सामने भी 2-4 दिन इसको अच्छी तरह से इस्तेमाल करूँगा, ठीक है, और जो भी प्रॉब्लम आएगा वो सॉल्यूशन के साथ आप लोगों को शेयर करूँगा। और गाइज, और एक बात, मेरे चैनल पर नए हैं ये हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबा दो, क्योंकि मैं ये जो प्रॉब्लम है इनका पूरा कोशिश करूँगा कि इनका सॉल्यूशन लेके आने का, ठीक है। तो
चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के वेट करो, मैं अगला वीडियो में इन जितने सारा प्रॉब्लम है उनका पूरा कोशिश करूँगा कि उनका सोल्यूशन देने का आप लोगों को, ठीक है। और अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगा तो कस्टमर केयर से भी बात करके वो भी कॉल रिकॉर्डिंग आप लोगों को सुना दूँगा।